हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से बनने वाले आलू के पराठे और साथ ही साथ एक तीखी चटपटी सी चटनी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिना किसी झंझट के आलू के पराठे। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने 3 उबले हुए आलू जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। तो आलूओं को मैं कद्दूकस कर लूंगी, आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर लें, बस कोई भी बड़ा चंक्स नहीं होना चाहिए आलू में। तो देखिए इस तरह से सारे आलूओं को मैं कद्दूकस कर लूंगी। तो हमारे आलू कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 2.5 कप गेहूं का आटा और इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच बेसन। आप 1 से 2 चम्मच बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं और बेसन डालने से पराठों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिया है प्याज, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से पुदीने के पत्ते। सभी को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसे हम आटे में मिक्स करने वाले हैं। तो बिल्कुल बारीक काटिए और इसके साथ साथ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि अजवाइन का फ्लेवर उभर कर आए और बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे, बहुत बढ़िया बनते हैं। 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, ये है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी जिससे हमारे पराठों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्रश करके। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और सभी चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें उबले हुए आलूओं का यूज किया है। तो बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें, अगर आलूओं से ही आपका आटा लग जा रहा है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे भी बताइए कि आपके पराठे कैसे बने। तो इस तरह से हम अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत कम पानी डालिए क्योंकि बहुत ही आसानी से ये आटा लग जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स करते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी पराठे बनाते हैं बस उसी तरह से। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल जिससे हमारा पराठा और भी टेस्टी और थोड़ा खस्ता बनेगा। तो बस तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि आपका आटा थोड़ा गीला है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी ऐड कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, गूंथ लें। ये देखिए आटा लगाकर मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसे ढककर हम रख देंगे और हम बनाएंगे एक तीखी चटपटी सी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अधपके से टमाटर, बहुत ही खट्टे हैं। अगर आपके पास भी ऐसे अधपके से टमाटर है तो आप जरूर बनाइए इस चटनी को, बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही साथ हरी मिर्च आप तीखा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, 2 से 3 कलियां लहसुन, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 2 मुट्ठी हरा धनिया, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी हरा धनिया, और स्वाद अनुसार नमक। अगर आपके टमाटर पके हैं, खट्टे कम हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें आमचूर भी ऐड कर लीजिए, लेकिन मेरे टमाटर तो बहुत खट्टे हैं, आमचूर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस हम चटनी पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी भी पीसकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी फ्रेंड्स। तो चटनी को रख देंगे अब साइड में। अब हम बनाएंगे पराठे। तो आटे में मैंने मिक्स किया था उबले हुए आलू, इसलिए आटा थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो पहले हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा ले और उस तरह से फिर इसकी लोई निकाल कर गोल कर ले और थोड़ा परथन लगाते हुए इसका पराठा बेल लें। आपको जैसे भी पराठे पसंद हैं, गोल, तिकोन, चौकोर, किसी भी शेप में आप बेल सकते हैं और बहुत ही यम्मी बनते हैं फ्रेंड्स पराठे, ना भरने का झंझट, न फटने का डर और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी। और ये चटनी तो बिल्कुल परफेक्ट जाती है इन पराठों के साथ। तो बस ये देखिए मैंने पराठे बेल लिए हैं और साइड में मैंने तवा भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बस इसी तरह से हम सारे पराठे बेल कर सेक लेंगे। तो पराठे को एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ ब्राउन चिट्टी आने तक सेकेंगे। उसके बाद ही हम पराठे में तेल या रिफाइंड लगाएंगे। बहुत से लोग कच्चे पराठे में तेल रिफाइंड लगा देते हैं, उससे पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं। तो बस पराठा अच्छे से मैंने सेक लिया है, उसके बाद तेल लगाकर इसे अच्छे से सेक लूंगी बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। और बहुत ही यम्मी पराठे बनते हैं आलू के कारण, बिल्कुल सॉफ्ट
और तेल के कारण ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो ये देखिए गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हैं, इसे हरी चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।